दोस्तों लॉकडाउन के बाद आप ट्रेन, जब ट्रेन का कोई आप टिकट बुक करने जाएंगे उसमें 2S का ऑप्शन आ रहा है। तो दोस्तों ये 2S को 2S क्या है, आपको बुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इस पे कितने बंदे बैठेंगे, ये सब वीडियो का एक्सप्लेन मैं इस वीडियो में करूँगा। तो दोस्तों मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई अलग से वीडियो नहीं देखने की ज़रूरत पड़ेगी। बस आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है और समझना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले जो दोस्तों एक 2S है, ये जनरल बोगीज का वो, जो कि दोस्तों पहले आप जो चालू बोगीज होती थी, जो चालू डिब्बा जिसको बोलते थे, चालू जिसमें भेड़ बकरियों वगैरह पहले लोग बैठते थे, अब वही चालू डिब्बा को जो कि 2S का नाम दे दिया गया है, जो कि सेकेंड सीट या टू इंड सीट जो कि या जो भी आप बोल सकते हैं, वो उसका नाम दे दिया है। जो कि पहले क्या होता था दोस्तों, जनरल डिब्बे में से अनलिमिटेड टिकट काटते जाते हैं, कितने भी टिकट काट दिए, 100, 200, 400, 500, सबको उसी जनरल में ही बैठना है, जितने चाहे जितने टिकट काट दिए। बट दोस्तों ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, आप 2S का टिकट बुक करके अपने सीट पे आसानी से बैठ सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये आपको सीट कैसे मिलेगी, आपको ये सीट कैसी रहेगी और एक सीट पे कितने बंदे बैठेंगे। तो दोस्तों आप पहले अगर जनरल में कभी बैठे होंगे तो आपको पता होगा कि दोनों साइड से सीट रहती हैं, और दोनों साइड से जो सीटें रहती है उस पर 7 बंदे 8 बंदे ऐसे ऐसे बैठते थे। पर दोस्तों अब ये प्रॉब्लम नहीं रही। अब इस पे क्या है कि अगर इस साइड का जो सीट है, जो अभी आप देख रहे हैं, इस साइड का जो सीट है इस पे 4 बंदे बैठेंगे, और उसके बाद जिस पे आप बैठे हैं उस पे 4, मतलब कि दोनों को मिला के 8 बंदे बैठेंगे इस दोनों सीट पे। और उसके बाद अब आपके ऊपर जो सीट है वो उस पे क्या होगा, आप चाहे अपना सामान रखिए, चाहे आपस में समझौता करके ऊपर सो सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। और जो अभी आप देख रहे हैं सिंगल सीट, अब सिंगल सीट में क्या है, आप जो एक सीट है आप इस पे एक बंदा बैठेगा और आपके फ्रंट पे एक बंदा बैठेगा, आप वो दोनों एक एक बंदे बैठेंगे, कुल मिला के 10 बंदे रहेंगे, आप सोच सक समझ जाइए बस। सो आप, मैं समझ सकता हूँ कि आप ये समझ गए हो, अगर आप समझ गए हो तो आप आसानी से जाके 2S का सीट बुक करिए। आपको अगर आप सीट बुक करेंगे आपको सीट मिलेगी, आप अपने सीट पर बैठिए। अगर और मैं आपको इसमें बता दूं, अगर आप ट्रेन बुक कर लिए हैं और आप चाहते हैं कि मैं इस कैसे अपना जो बोगी है कैसे ढूंढूं, कैसे मैं अपना सीट ढूंढूं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जनरल डिब्बे के अब जो पहले ये जनरल डिब्बे रहते, अब इसमें कैटेगरी वाइज जो कि चेंज कर दिया गया है, D1, D2, D3, सो वो आपके टिकट के ऊपर लिखा रहेगा, जैसे कि पहले का रहता था वो सब कुछ पहले की तरह रहेगा। बुकिंग नंबर D1, उसके अंदर सीट नंबर जो भी जो कुछ भी रहेगी, आप उसके अंदर जाके अपना सीट नंबर देख के उस पर आसानी से बैठ सकते हैं। सो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा लगता है, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस पे अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो और भी अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।